हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेसन इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस टाइम। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू क्वेश्चंस। कि सेंटेंसेज हैं, सिंपल सेंटेंसेज, उनको हमें क्वेश्चन में बदलना है। कि कैसे हम क्वेश्चन में चेंज करते हैं, देखिए। पहला फर्स्ट नंबर, साधारण वाक्य को हम प्रश्नवाचक वाक्य में बदल रहे हैं, इंट्रोगेटिव में बदलते हैं। इसमें हमें क्या क्या चेंजेज कर रहे हैं, देखिए। जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हम आगे लिखते हैं या पहले बोलते हैं, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। केवल एक ही चेंजेज है कि हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना है, ठीक है। तो आप देखिए एग्जाम्पल, फर्स्ट नंबर साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस, आई एम ए स्टूडेंट। तो ये इंट्रोगेटिव कैसे बनाएं? एम आई ए स्टूडेंट। क्या है इसमें अंतर? कि एम यहां आई से पहले लगा दिया हमने, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले, तो ये क्वेश्चन बन गया। देखिए सेकंड एग्जांपल, सी इज ए डांसर, सिंपल सेंटेंस है, हमने इंट्रोगेटिव बनाया, प्रश्नवाचक वाक्य। रूल मैं बता चुका हूं आपको कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना है। इज सी ए डांसर। थर्ड नंबर देखिए, दे आर फ्रेंड्स। क्या किया इसमें? आर दे फ्रेंड्स। फोर्थ नंबर, यू आर ए फोटोग्राफर, आर यू ए फोटोग्राफर। क्या चेंज किया है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए? हेल्पिंग वर्ब को आगे राइट कर रहे हैं, सब्जेक्ट से पहले। फिफ्थ नंबर, इट इज ए बेबी, इज को आगे लेके आएंगे, इज इट ए बेबी। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव बन गया, सिंपल सेंटेंस से इंट्रोगेटिव बनाने के एग्जाम्पल हैं ये। अगले एग्जाम्पल देखिए, ही इज माई ब्रदर। अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? इज ही माई ब्रदर। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें ये भी ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन मार्क लगाना है हमें, ठीक है। जब इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और सिंपल सेंटेंस में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। अब लास्ट है देखिए, लास्ट एग्जाम्पल, द बर्ड इज ब्यूटीफुल, द बर्ड इज ब्यूटीफुल। तो आपका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? इज। तो इज को सब्जेक्ट से पहले, इज द बर्ड ब्यूटीफुल, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लगाना है हमें, ठीक है, थोड़ा सा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में।